हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि नीट की एग्ज़ाम की डेट धीरे धीरे पास आ रही है, उसके साथ साथ दोस्तों बच्चों के काफ़ी कंफ्यूजन थे, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो उन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है। मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें नीट चाहे यूजी हो चाहे पीजी एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट अभी तक दोस्तों चाहे एनटीए ने दी हो और तो दोस्तों एमसीसी की जो भी कुछ अपडेट्स हैं वो सब की मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। आई होप आपको अपनी लेटेस्ट अपडेट इसमें मिलेगी। तो काफ़ी बच्चों का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो नीट की एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूछा गया था कि सर एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से आएंगे ताकि हम अपनी प्रिपरेशन कर सके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो दोस्तों इस वीक में आने की पूरी पूरी संभावना थी कि इस वीक में आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आने की संभावना है, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड जो उसका जो एनटीए होता है उसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का टाइम चाहिए होगा पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को कैंडिडेट से फिलअप कराने के बाद में उसमें प्रोसेस करने के टाइम में। क्योंकि अगर वैसे देखें तो हर साल मई में एग्ज़ाम होता था, लास्ट ईयर में वो अक्टूबर में हुआ कोविड की वजह से। तो दोस्तों इन सब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिस्कशन उस चीज़ का करने वाला हूँ। सो गाइस, जो अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टी है राजेश यादव सर, वो आपकी हेल्प करेंगे नीट एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में। गाइस, दिस इज़ द बेस्ट फैकल्टी फॉर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो केमिस्ट्री में दोस्तों आपको वो भी हिंदी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी गाइस, और वो आपके नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराते हैं। और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके जो सॉल्व क्वेश्चंस कराते हैं काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर, वो भी मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, वो भी केमिस्ट्री की हिंदी में अगर आपको प्रोवाइड कर रही है, तो दोस्तों आप इनकी क्लास पक्का ज्वाइन करें। क्योंकि इनकी क्लास वीक में 2 बार होती है, वेडनेसडे को और सैटरडे को। तो मैं आपको बोलूंगा इतनी इंपॉर्टेंट क्लास का सेशन आप कभी मिस नहीं करना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कराते हैं, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर्स का अगर कोई फैकल्टी आपको पूरे सिलेबस का अगर क्वेश्चन पेपर कराए तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज, आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। यह आपको ऐप कहाँ से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको अपना इसमें जैसे ओपन करोगे तो आपको अपना गोल सेट करना है नीट एग्जाम न्यूज, और जो भी स्पेशल क्लासेज है उनको अनलॉक करने के लिए आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो PR2010। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज, डू नॉट मिस दिस क्लास। इनका रेफरल कोड यूज़ कर लेना PR2010, और ये आज क्लास लाइव है 8:45 PM पे, मतलब आज शाम को 8:45 PM पे लाइव होगी। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका पक्का देखें, और जो बच्चे इसको मिस करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जब भी फ्री टाइम हो तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और फ्री ऑफ कोर्स अनअकैडमी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो गाइज, आपको पता है कि जैसे कि अभी आपको पता है पीजी और यूजी का एग्ज़ाम होता है, तो सबसे पहले पीजी का हो रहा है इस बार। तो आप देख सकते हो पीजी के लिए क्या हुआ है कि एग्ज़ाम डेट है वो संडे को कर दी गई है और ऑफलाइन है। तो क्योंकि महाराष्ट्र में, अगर आपको पता है कि संडे को महाराष्ट्र में क्या होता है, लॉकडाउन होता है COVID-19 की वजह से। सो गाइज, उस वजह से स्टूडेंट्स कंसर्न रेज कर रहे हैं कि अगर संडे को लॉकडाउन है तो हम किस तरह से अलाउ किया जाए। बट दोस्तों, उन्होंने एक गाइडलाइन ये भी जारी कर रखी है कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर कंप्लीट लॉकडाउन है तो बच्चों के लिए क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कम से कम अवेलेबल होगा। तो सभी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि क्या ये पीजी का एग्जाम संडे के अलावा किसी और वर्किंग डे पे हो सकता है। बट और ये महाराष्ट्र में ज्यादा कंसर्न उठाया, तो उसके लिए आप देख सकते हो ऑफलाइन नीट एग्जाम ऑन संडे, पीजी मेडिकल स्पिरिट्स 6 महाराष्ट्र लीडरशिप हेल्प। तो ये उन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो दो उसके साथ साथ दोस्तों आप बात कर लेते हैं नीट यूजी की। तो दो भी बच्चे नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास अभी बिल्कुल कम लिमिटेड टाइम है, और इस कम लिमिटेड टाइम में दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म की बच्चे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ लगभग ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 11 अप्रैल से और 20 अप्रैल के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं। तो 11 से 20 का डेट आप लेके चलना। आप जो भी डॉक्यूमेंट है लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने वहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा गाइज, कि आपको करना क्या है कि आप जितने से ज़्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दो। जितने से ज़्यादा अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करने में। जितने से ज़्यादा, क्योंकि अभी टाइम कम है और जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। उसके साथ साथ दोस्तों, जो भी अनअकैडमी की फैकल्टी है उसका लिंक, जो फ्री ऑफ कोर्स आपको पेपर सॉल्व कराते हैं, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों सबसे दूसरी चीज़, आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो बात ध्यान रखना है, NCERT की बुक्स आपको पढ़नी है पूरी। NCERT में 99% सारा एग्जाम में उसी में से पूछा जाता है। एंड गाइज, जो दूसरी अपडेट है वो आपके साथ ये है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व करोगे, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो नीट में प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो अगर आप सोल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते। दो चीज़ आपको करना है अभी आपके 90 डेज में। पहला, NCERT के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और दूसरा आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको नीट के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है।
तो अगर जो भी बच्चे ये कर पाते हैं तो उनका नीट में बहुत अच्छा स्कोर आता है। तो ये आपकी मैं हेल्प करने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स।